हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.5 का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया क्वेश्चन नंबर 1 2 का, या जो मैं आगे की वीडियोज बनाऊंगा ना, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे रीड कर लेते हैं। राधिकाज मदर गेव हर 10 रुपी और 50 रुपैसा। ठीक है, 10.50 रुपी दिया गया है, यानी कि ये रुपी और ये पैसा है। एंड हर फादर गेव हर 15 रुपये एंड 80 पैसा। ठीक है, यानी कि राधिका की जो मम्मी है वो उसको इतना रुपए देती हैं और उसके पापा उनको इतना रुपए देते हैं। तो फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाई द पेरेंट्स। यानी कि आप ये बताइए कि उसके पेरेंट्स के द्वारा, यानी कि उसके मम्मी और पापा के द्वारा टोटल उसको कितना रुपए दिया गया। तो टोटल निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना है, वहाँ पर ऐड करना है। जैसे मान लो आपकी माँ ने आपको 2 रुपए दिया, पापा ने आपको 5 रुपए दिया, तो टोटल ऐड करोगे तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी टोटल पूछ रहा है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। स्टेटमेंट कैसे लिखना है आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, स्टेटमेंट एकदम रटना बिल्कुल भी नहीं है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ ना उसी को उतार करके लिख दो। जैसे वहां पर क्या बोला था, राधिकाज मदर गेव हर ₹10.50, तो वही चीज मैंने यहाँ पर उतार दिया कि राधिकाज मदर गेव, राधिका की मदर ने दिया कितना रुपए दिया, तो ₹10.50 दिया। हर वगैरह नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा। उसी तरीके से हर फादर गेव, उसके पापा ने कितना दिया, तो 15.80 रुपए दिया। तो टोटल अमाउंट निकालेंगे हम, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था ना कि आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो या फिर अलग से लिख करके भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, अलग से लिख करके ऐड करेंगे। क्यों अलग से लिखने के बारे में पता है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर तो अभी बराबर बराबर डिजिट है, डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट है, डेसिमल के पहले भी 2 डिजिट है, तो ये तो आसानी से ऐड हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इधर कम डिजिट होता है, इधर ज्यादा डिजिट होता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आगे पीछे लिखना पड़ जाता है। तब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से ही लिख करके ऐड करना सीखते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, इसको अलग से लिख लो, यानी कि ये हो जाएगा 10.50 और ये हो जाएगा उसके नीचे 15.80। सिंपल एकदम, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 0, 13 का 3, कैरी हो गया 1, ये 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार दो, यानी कि ₹26.30 उसको क्या हुआ, टोटल उसके पेरेंट्स ने दिया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।